अरे यार सॉरी, पीछे रिक्शा आया है तो उसकी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। जब आप ऐसे स्ट्रीट कैट्स को या किटन्स को रेस्क्यू करते हैं तो उनको प्लीज़ ट्रीट्स वगैरह ना दें। हाय गाइस, वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो मैं किसी की रूटीन बताऊंगी और साथ में जो है वो एक सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन था उसका भी आंसर दूंगी। तो व्लॉग में पूरा बने रहें ताकि आपको पता चले कि मैं रूटीन किसकी बताने लगी हूँ, और वो भी विंटर रूटीन। और साथ में जो है वो कौन सा जो है वो क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर दूंगी, तो वो बेनिफिशियल होगा सबके लिए ही। और मैं नीचे क्यों देख रही हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आजे चलते हैं और व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं जो हूँ वो बताने लगी हूँ बाहुबली और सिम्बा का जो है विंटर रूटीन। और वो विंटर रूटीन जो है वो ये है, जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप किसी जो है वो किटन वगैरह को या कैट को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ बाहुबली और सिम्बा की रूटीन के बारे में। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो धूप है, थोड़ी थोड़ी धूप है। ये देखें, आपको नीचे नज़र आ रही होगी धूप। तो जो है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कर क्या रहे हैं। ये देखें, अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था कि ये ऐसे करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए सन, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो है इनका हम कैसे विंटर में रखते हैं। ये देखें, ये कोई स्वेटर वगैरह नहीं इन्होंने पहनी, कुछ भी नहीं पहना। और ये जो है जब सुबह होती है ना, जब डे टाइम होता है, तो हम इनको जो है वो बाहर धूप आ जाती है, मतलब कि कितने बजे कह लें 11 बजे, इनको जो है वो फीड करवा कर तो इनको जो है वो धूप में रख देते हैं, क्योंकि सनबाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रख देते हैं और लॉन में है ये, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। अब ये मेरे पास आ गया है, ये देखें ये क्या कर रहा है। ओह बाबू, ये देखो बाहुबली क्या कर रहा है। बस ऐसे ही ये खुश रहते हैं। ये देखो, आहा ऊपर नहीं आना सोने, ऊपर नहीं आना। ये देखें, ऊपर आते हैं ना तो फिर ये गले तक आ जाते हैं, तो फिर ना नेल्स वगैरह इनके लगते हैं। दूसरी चीज़ के मैंने जो है इनका घर बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, तो मैंने इनका जो घर बनाया हुआ है उसके अंदर जो है वो वॉर्म टावल के अंदर वो जो हम कुशन्स वगैरह में डालते हैं ना रुई, वो मैंने डाली हुई है, और ऊपर से कवर किया हुआ है टावल से, और वो अंदर है। ये इनको बहुत ज़्यादा, आपने व्लॉग वो शॉर्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद जो है वो जो है हम इनको पूरा दिन जो है, जब तक मतलब कि शाम नहीं हो जाती, हम इनको इधर ही रखते हैं ताकि जो है ये धूप वगैरह लें। और बहुत ज़्यादा खेलते हैं बाहर, ज़्यादा खेलते हैं लॉन में ना, बड़े खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। जब अंदर जाते हैं ना तो अंदर जाकर जो है वो पाँव के ऊपर हमारे बैठ जाते हैं। तो इनका मैं आपको बताती हूँ कि हमने मील प्रिपेयर किया है। पहले हम इनको सॉलिड फूड नहीं दे रहे थे, लिक्विड फूड दे रहे थे, और अब जो है अब हम इनको जो है वो सॉलिड फूड पर ले आए हैं। तो
तो सॉलिड फूड के अंदर हम उनको जो है वो क्या दे रहे हैं, हम इनको जो है वो छोटे छोटे ब्रेड करके मैं आपको बता रही हूँ उनके बारे में जो रेस्क्यू आप करते हैं। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कर क्या रहा है, ये मेरे ऊपर ऊपर आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहुबली आपको नजर आ रहा होगा। नो नो बाबू नो। तो बस ये ऐसे ही जो है ये करते रहते हैं अगर पास आ जाएं तो। अभी लगता है कि इसको भूख लगी हुई है तो इसलिए ये ऐसे कर रहा है, अदरवाइज़ जब से इन्होंने सॉलिड फूड खाना शुरू किया तब से ये ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं इनको जो है वो फूड भी दे देती हूँ। आओ आजो, ये लो आजो। मैं इनको फूड भी दे देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं इनको ना जो है वो ठंडी जगह पे नहीं देती। आओ ये देखें, ये खा रहे हैं। तो जो है वो अब सॉलिड फूड पर इनको किया है 1 मंथ या 5th वीक में जब ये जाएं तो इनको सॉलिड फूड देना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट 1 मंथ में ये जाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ऊपर आते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वो इसी वजह से ये ऐसा करते हैं क्योंकि इनको जो है वो अब दूध से निकल के सॉलिड फूड चाहिए होता है, तो सॉलिड फूड की तरफ इनको लेके जाएं। अच्छा दूसरी चीज़, आप जब स्ट्रीट कैट्स वगैरह या किटन्स वगैरह को रेस्क्यू कर रहे हैं, सॉरी पीछे रिक्शा आया है तो उसकी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, जब आप ऐसे स्ट्रीट कैट्स को या किटन्स को रेस्क्यू करते हैं तो उनको प्लीज़ ट्रीट्स वगैरह ना दें, जो शॉप्स वगैरह से बिस्किट्स वगैरह और ऐसी चीज़ें मिलते हैं ना वो प्लीज़ ना दें, क्योंकि जो है इनकी बिल्टअप ऐसे ही हुई होती है, बिल्टन इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि ये यही चीज़ें खाते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी जो मुझे पता है कुछ चीज़ें। तो इस वजह से आप इनको जो है वो उस तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि इनको लूज मोशन लग सकते हैं और इनको जो है बिल्कुल भी ये जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो है वो हमने सबसे पहले स्लाइस जो है हाफ स्लाइस उसको चूरा करके बिल्कुल जो है ग्राइंड कर लें आप या हाथ से चूरा कर लें, और उसके अंदर इतना दूध आपने ऐड करना है, भले आप स्ट्रीम से ही कर लें, जितना के वो वेट हो जाए बस ब्रेड, ताकि ये आराम से खा सके। इनको जो है ड्राई ब्रेड बिल्कुल नहीं देनी। दूसरी चीज़ है जो है आप इनको दलिया दे सकते हैं, क्यों दलिया जो होता है वो पतला करके आप इनको दे सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन्स होती हैं तो वो भी आप इनके लिए बना सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो मुझे पता है वो है राइस। राइस जो है वो आप इनको छोटे छोटा करके दे सकते हैं, वो भी ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं इनको देती हूँ, दलिया तो अभी तक नहीं दिया, राइस दिए हैं और ये ब्रेड और मिल्क दिया है। तो आप लोग भी ये चीज़ें ऐसे दें, ना कि आप जो है वो मतलब कि दूसरी ट्रीट्स वगैरह पे उनको लगा दें। अब ये देखें ये वो खा रहा है, बाहुबली तब से जो है वो खा रहा है, और सिम्बा का पेट भरा हुआ है तो इसलिए वो नहीं खा रहा। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने इनके लिए जो है वो टनल बनाई है, ये देखें ये बड़े खुश होते हैं, इसके अंदर जाते हैं, किसी दिन मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी, और खेलते हैं, एक एक साइड से जाता है और दूसरा जो है वो दूसरी साइड से
अंदर जाता है और दोनों जो हैं वो हाइड एंड सीख खेलते हैं ऐसे। दूसरी चीज़ है कि जो बहुत बड़ी टिप है आपके लिए, हमने इनको ना स्वेटर्स बना के बनाए थे लेकिन इनको बिल्कुल पसंद नहीं आए। इन किटन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको प्लीज़ आप लोग भी जो है वार्म रखने के लिए ऐसा ना करें, बल्कि जो है वो आप लोगों का लॉन है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है धूप आती है, तो आप इनको धूप में रखें ताकि जो है ये वार्म रहें, ना कि आप इनको स्वेटर्स वगैरह बनाएं क्योंकि ये अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये ना मैं जब इनको बनाया था ना, तो मामा और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो है ये बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसे करके ऐसे और ड्रामे करना शुरू हो गए थे, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ है, तो होप्स हो कि आपको जो है वो इनकी रूटीन समझ आई होगी। जिनके पास किटन्स हैं वो भी लिखें, जिन्होंने रेस्क्यू किए हुए हैं किटन्स या कैट्स वो भी बताएं कमेंट्स में। और दूसरा सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बताती हूँ। मामा ने मुझे कहा कि जो है वो मैंने जो है वो देखा है कि एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये भी तुम व्लॉग बनाओगी तो उसमें बताना। तो जो है मैं व्लॉग उन्होंने जो है मुझे बताया था कि इसका क्या सलूशन है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ब्लैक हेड्स के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, मींस अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं तो आप उसके सलूशन कैसे कर सकते हैं, आप उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका आंसर मामा ने मुझे कहा था कि आप जो हैं जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड्स हैं आप वहाँ पे स्क्रब, ज़रूरी नहीं है आप फेशियल करवाएं तो तभी स्क्रब करवाएं, आप ख़ुद जो हैं वो वीक में जो है वो 3 दफ़ा अल्टरनेटिव डेज में जो है वो आप स्क्रब लेकर, जैसे हमारे ज़्यादातर नोज़ पे होते हैं तो आप स्क्रब लेकर उसको स्क्रब कर सकते हैं बिल्कुल स्लो हैंड से, और उसके बाद 7 मिनट्स आपने ऐसे ही करना है। और उसके बाद जो है आपने अगर कोशिश कर सकें, अब तो वैसे विंटर अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं आई, तो आप लोग या तो कोशिश करें कि आप जो मोटर चलाकर आता है ना पानी, उससे आप वॉश कर लें बाद में, ठीक है, क्योंकि वार्म वाटर से ना ही करें तो बेटर है। तो आप इससे जो है वो आप अगर 3 दिन वीक में करेंगे तो आप देखिएगा कि 1 मंथ में, बल्कि 2 वीक्स में ही आपका जो ब्लैक हेड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है कि जब भी आप ब्लैक हेड्स को हटाना हो तो आप जो है उसके ऊपर स्क्रब करें, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने करना है 7 मिनट, तो आपके ब्लैक हेड्स चले जाएंगे, वो फिर जो है वो बाकी नहीं रहेंगे। तो जो है उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दे, ताकि ऐसे ही मैं वीडियोस बनाकर आप लोगों को जो है एंटरटेन करती रहूं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताए, तो अगले व्लॉग में जो है वो मामा या मैं उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।